ते 2009 तो बाद ही मेरी सास ने टॉर्चर करना मेरे ससुराल वालों ने टॉर्चर करना शुरू करता। वो इतने भी रैकेट चलाते ना, इतने भी फड़े गए तो मेरी कुड़ी लाए 11 साल की, दो मुंडे लाए ने मेरे को किडनैप करके, मेरे बच्चे नहीं दे रहे ते मेरे बच्चों को ड्रग्स भी देंगे ना। मैं इतने ही जहर खा के मर जाना क्योंकि बच्चे मेरे ना, मेरी इतों लाश ही निकलेगी, बच्चे नहीं मिले मैं इतने ही मर जाना। इन्होंने सब ने बहुत बुरा हाल किया, मैं अपने माइके आ गई, मैं कहा मैं नहीं रहना। अज मकान 80-90 लाख का मकान है, यह मैं कहते वेच के मेरे फादर को रह, मैं कभी नहीं रहना। इन्हों के फादर गंदे है, इन्होंने फादर हाथ उत्त लगाते, मैं नहीं पसंद। जिन्हें कहना ना भी चंद से थुकना, चंद से थुकना जितों कपने से पैंता वो तुम सारे ने देख ही लिया वा सामने, और जिते भी जाती उ उत्थे मुंडे से भी लांछन ला डी है, यो ही तेरा यदा काम आ। मेरे विआह होया 2009 ते 2009 तो बाद ही मेरी सास ने टॉर्चर करना मेरे ससुराल वालों ने टॉर्चर करना शुरू करता। उदा मेरा देवर भी कुआरा ही, ननंद भी कुआरे ही, इन्होंने सब ने बहुत बुरा हाल किया। मैं अपने माइके आ गई, मैं कहा मैं नहीं रहना। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे पीछे आ गए, नहीं श्वेता मेरा माँ प्यो गंदा, मैं भी तेरे नाल रहांगा। फिर मैं अपने फादर नूं कहा माइके ते ही रह नहीं सकते। फिर मेरे फादर ने 10 लाख रुपया उस टाइम दिता, तो नाल फिर सोना दिता, फिर ना डायमंड का काम शुरू कराया। फिर उस तो बाद मेरे बेटे हुए, वो जम्मू हुए, मैं उत्थे ही पाले उत्थे वड्डे किए, मैंने मेरे ससुराल वाले 1 रुपये की सपोर्ट नहीं की। मैं मेरे फादर ने मैं मकान लिया के दिता, अज मकान 80-90 लाख का मकान है, यह मैं कहते वेच के मेरे फादर को रह, तू मैं कभी नहीं रहना। इन्होंने बाहर इन्हों के फादर गंदे है, इन्होंने फादर हाथ उत्त लगाते, मैं नहीं पसंद। 8-9 साल इन्हों मेरे हस्बैंड ने हूँ 2 महीने हो गया बाहर कुड़ी रखी दी है, वो रेंदे वक्रे मकान च, वो ही सौंदे ने, वो ही रेंदे घर, खर्चा खुर्चा कोई नहीं गा। मेरे फादर मैं दुकान पर बनी अपने फादर के, उतों खर्चा कर दी हाँ। मैं अपना मकान नहीं वेचना क्योंकि मेरे ससुराल वाले सही नहीं है, इतने भी रैकेट चलाते ना, इतने भी फड़े गए तो मेरी कुड़ी लाए 11 साल की, दो मुंडे लाए ने मेरे को किडनैप करके, मेरे बच्चे नहीं दे रहे। मेरे ना मांग रखी गई है बच्चे लाने, मकान वेच के बटाले आ मेरे को, मैं मांग नहीं स्वीकार करती, मैं मांग नहीं स्वीकार करती। इतों के SHO सिटी जी मैं लैके आई, सिटी बटाला तो SHO उन्होंने भी इन्हों मिल के मेरी कार्रवाई कुछ नहीं की गई। अज मैं इतों महिला जी लैके आई हूँ वीडी जो भी है ना लेडीज़ महिला, उन्होंने मैं क्या मेरे बच्चे छुड़ाए जाने, मेरे बच्चे सेफ हाथ नहीं गए। मैं तुम्हें वीडियो दस दाँगी जो रेट पई दी है, तो यह मेरे बच्चों ड्रग्स भी देंगे ना। मैं इतने ही जहर खा के मर जाना क्योंकि बच्चे मेरे ना, मेरी इतों लाश ही निकलेगी, बच्चे नहीं मिले मैं इतने ही मर जाना। मैं अपने बच्चे लैके ही जाने, मैं पाले बड़े औखे, मैं पीरियड भी बड़े औखे रखे 8 महीने, मेरे बच्चों के किसी का अधिकार नहीं है, ना दादे का ना दादी का, किसी का नहीं। देखो बच्चे जो आए पर बच्चे तो अंदर चले गए, बच्चे गए नहीं अंदर, इन्होंने देखे थी हाथ मार के कैसे अंदर लैके गए, कृष्णा का नहीं आते तो पे ही अंदर गए नहीं, भड़काया बड़ा मेरे बच्चों, चाकू दिखा दिखा के उन्होंने इन्ना को हरासमेंट की, इन्ना डराए दा माँ का कीड़ा दिमाग चो निकाल दो, माँ को नहीं जान देना। मैं माँ को किडनैप करके मेरे बच्चे लिया, मेरे बच्चे रोंदे रहे मम्मा लै जा, मैं लै आना, इन्हें मैं धक्के मार के बाहर कड़ता। मामला 2009 की शादी की थी है, 2009 से ही परेशान हाँ, जिदा कहते हैं भी इज्जत वाला बंदा कहता वा भी अपनी इज्जत बनी रहे घर परिवार की, अपने अंदर ही बह के नजिठी जाए, तो वह कर उदा उस हालात में मैं 13 साल कटे ने। तो मेरा बेटा 2009 की शादी हुई सी, इस परिवार ने जोड़ा मेरे बेटे सहुरे ने इन्होंने मतलब कि इन्ना क तंग किया, इन्ना क तंग किया, बेटा मेरा चले भी गया वा उत्थे जम्मू जाके लखा जिनी क जिन्हें जोगा मैं कहा ना उन्हें उन्हें मेरा इन्हें घर धोता मुंडे ने ते ए कुड़ी ने, मतलब कहता भी इन्हें 5, 7, 10 वारी जम्मू गई आ और मेरे तो घर का जिन्ना भी गहना गट्टा लैके पैसा ढेला जिन्ना भी हुंदा रहा लैके 2012 जाके इन्होंने उत्थे इन्होंने कुड़ी दे पेकियां ने मेरे कुड़मां ने इन्हू मकान लैके दिता वा अपनी कुड़ी दे नाँ कुआरी शो करके। यहाँ मैरिज हुई 2009 की, तो 2012 के इन्होंने उत्थे प्लाट लैके दिता ये नाँ का, तो मुंडे ने 1 रुपया उस मकान पर लाया, वो अज कोठी टाइप मकान बन गया था, डबल स्टोरी कोठी आ। जिनी इतों मैं जिनी भी मटीरियल भेजा दा वा घर के राशन तक मैं भेजना वा, दुकान लैके दी मुंडे मुल वो नाँ से, वो दुकान बना दिया वा। इन्होंने 13 साल का इन्ना परेशान किया वा
ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਸ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀਏ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਚਲਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਪਾ 13 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੁਖੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਚੈਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਰੋਕ ਲਾਏ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਜਮਾਨਾ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਬਟਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਸੂਰੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਦ 'ਤੇ ਥੁੱਕਣਾ ਤਾਂ ਥੁੱਕ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਡਈ ਦੀ ਆ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਨਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ CWC ADC ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ